नमस्कार दोस्तों, आज 20 सितंबर 2022 दिन मंगलवार। दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, जान लेंगे प्याज की मंडी में कितनी गाड़ियां हैं। जब दोस्तों यहां जो भी रेट बताएंगे 40 किलो का मन का रेट है। जान लेंगे रजिंदर शर्मा बाबू जी से आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। और दोस्तों ये जो भी बताएंगे उसको गौर से ध्यान से सुनना, गलत कमेंट मत करना। जान लेंगे भाई साहब से आने वाले समय का भी कुछ, क्योंकि दोस्तों तजर्बा ही होता है हर बंदे का, उम्र के हिसाब से अपना सबका तजर्बा होता है। जानते हैं आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज कितनी गाड़ियां हैं जी, कैसा बाजार चला जी प्याज का जी? देखो जी कल बाजार टूटा था। हाँ जी, क्योंकि माल बहुत ज़्यादा था। हाँ जी, और मंडी में 8 गाड़ी नेफड़ के पास थी। हाँ जी, और 70 गाड़ी से ऊपर 80 गाड़ी यहाँ ताज़ा आई हैं। हाँ जी, और बैलेंस भी यहाँ करीबन 70 गाड़ी था, 75 गाड़ी। तो जब 160 गाड़ी होगी और जिस मंडी में बिकनी 50-55 गाड़ी 45 गाड़ी है। हाँ जी, तो आढ़ती तो घबराएगा और किसान भी घबराएगा और बेचेगा। हाँ जी, तो कल जो घबराहट थी और जो कम रेट में प्याज बिका 1 रुपये किलो कम करीबन। हाँ जी, पर शनिवार से उसके कारण आज यहाँ प्याज कम आया है। अच्छा जी, क्योंकि जो दिसावर से गाड़ियाँ चलती हैं। हाँ जी, फिर वो क्या करते हैं दूसरी मंडियों में बात करके वहाँ डाइवर्ट कर देते हैं किसान ड्राइवर को, कह के कि तू उस मंडी में ले जा, इसमें मत ले जा, यहाँ मंदा हो गया। जो नज़दीक की मंडी है यहाँ से, नज़दीक हो दूर हो जी, ड्राइवर ने किराया लेना है। पूरे हिंदुस्तान का NP परमिट है, जहाँ मर्जी भेज दो। अच्छा जी, दिल्ली वाली पंजाब भेज दो। हाँ जी, तो किराया लेगा 100-200-500 फालतू मांगेगा। अच्छा जी, तो जिसको दिख रहा है मुझे हजारों का घाटा वो दे देगा। हाँ जी हाँ जी, तो हालात इसलिए आज यहाँ पर कुल 26 गाड़ी आई हैं। अच्छा जी, मतलब एक दिन में 50-55 गाड़ी का कम हो जाना ऐसा कभी होता नहीं है। अच्छा जी, ये इसलिए हुआ है क्योंकि ज्यादा प्याज आया। हाँ जी, और कोई तेजी नहीं थी जो प्याज ज्यादा आया है। अच्छा जी, जो प्याज ज्यादा आया वो इसलिए आया था क्योंकि अब प्याज का इसका टाइम कम होता चला जा रहा है। अच्छा जी, और नया प्याज जो है उसके आने की तारीख पास आती जा रही है। अच्छा जी, जहाँ तक मेरी खबरें हैं। हाँ जी, 20 तारीख से इक्का दुक्का प्याज शुरू हो जाएंगे नया राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट कैथल वगैरह का। अच्छा जी, ठीक है जी, और 1 तारीख के बाद उसकी संख्या बढ़ जाएगी और 5 तारीख जो है अपना नवंबर की। अच्छा, या अक्टूबर की। हाँ जी, इससे नहीं 5 नवंबर से। हाँ जी, प्याज की आमदन ज्यादा बढ़ जाएगी राजस्थान की। यानी जो 20 तारीख बताई आपने वो अक्टूबर की बताई जी? अक्टूबर की। अच्छा जी, अच्छा, अक्टूबर की 20 तारीख से। आज भी 20 है, एक महीना पड़ा जी, क्योंकि लोगों ने अगस्त शुरू से प्याज लगाना शुरू कर दिया था। अच्छा जी, तो आज 1.5 महीना क्या 1 महीना 20 दिन हो गए बहुत सारे प्याज को लगे हुए। अच्छा जी, अच्छा, मतलब लगता रोज जाता है, आज भी लग रहा है, अभी और लगेगा। हाँ जी, तो वो प्याज धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाएंगे, जैसे आज 50 दिन हो गए। हाँ जी, तो मैं तो अभी 30 दिन और दे रहा हूँ उसे। अच्छा जी, 80 दिन यानी जो अगेती फसलें हैं जी। अगेती क्या भाई साहब, 80 दिन 90 दिन में 70 दिन में प्याज आमतौर पे निकल आती है। अच्छा जी, अच्छा, तो इन हालात में प्याज जो है। हाँ जी, उसमें कोई रोग नहीं है, लोग अफवाहें फैला रहे हैं। हाँ जी, प्याज निरोग है। हाँ जी, अपने इधर का जिस जो राजस्थान का आने वाला है। अच्छा जी, अच्छा, और साउथ में जरूर खराबी हुई, उसी कारण तो ये बाजार टिके हुए हैं। अच्छा जी, अगर साउथ में खराबी ना होती तो ये बाजार 10 से भी अंदर आगे होते। अच्छा जी, अच्छा, ये जो 5 रुपए तेजी है। हाँ जी, वो साउथ में थोड़े बहुत जो खराब हुए हैं। हाँ जी, उसके कारण है। अच्छा जी, पर साउथ का नया प्याज जितना है वो बिक तो रहा ही है। हाँ जी, उनकी सारी मंडियों में और साउथ मंडियों को तो पूरा कर रहा है। अच्छा जी, हालात तेजी के तब बन सकते हैं जब आसमानी तूफानी कोई बात हो जाए। अच्छा, अभी तक वो बात नहीं है, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी, जैसे हमारे कुछ साथी कहते हैं 40 रुपये हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। हाँ जी, ये बातें इसलिए कहते हैं कि गुमराह करते हैं कि हमारे पास प्याज ज़्यादा आ जाएगा या हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन वो तो सामने दिख रहा है, मैं तो 3 महीने से आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, कि प्याज ज़्यादा है देश में। हाँ जी, और ये बरसात साउथ की फसल को ख़राब कर दे। हाँ जी, अब मैं कहता हूँ कि साउथ को ख़राब कर दे या राजस्थान की फसल को ख़राब कर दे। हाँ जी, तब तेजी है। हाँ जी, और थोड़ी बहुत नहीं, ज़्यादा। हाँ जी, वरना आज से 4 साल पहले अक्टूबर आखिर में नए और पुराने प्याज का टकराव हो गया था, दोनों ही आ गए थे। अच्छा, हालात उस तरफ जा रहे हैं।
अच्छा जी, प्याज पुराना बहुत पड़ा है, 4 साल पहले की बात है जी। हाँ, नया और 5 रुपए प्याज बिकी थी, 3 रुपए 6 रुपए, नया और पुराना दोनों टकरा गए जी, क्योंकि पुराना बिका नहीं। हाँ जी, बैलेंस लोगों ने जिद में रोक लिया। हाँ जी, और नया टाइम से आ गया। अच्छा जी, तो अब प्याज तो उतना ही खाया जाएगा ना जी। हाँ जी, हाँ जी, तो पुराना जो है और नया दोनों ही नुकसान में आ गए। हाँ जी, मैं तो प्याज वालों से जिन्होंने स्टॉक कर रखा है उनसे एक सुझाव है मेरा। हाँ जी, बाकी तो हर आदमी अकलमंद है आजकल। हाँ जी, कि भाई धीरे धीरे, अगर तुम्हें तेजी लग रही है, हाँ जी, धीरे धीरे कुछ निकालो। अच्छा जी, मैं नहीं कहता ज़्यादा निकालो। हाँ जी, और जिसके पास गाड़ी याद गाड़ी है वो तो निकाले या ना निकाले, जब मर्जी निकाल ले। हाँ जी, लेकिन हालात मुझे, हाँ जी, मेरे, देखो मेरी बात कोई माने या ना माने। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, नाराज होने की क्या बात जी, अपना सब का तजुर्बा। मेरा जो सोच है, हाँ जी, वो ये है कि नया प्याज 1 महीने बाद शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, 1.5 महीने बाद प्याज बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा। अच्छा जी, और करीबन 1.5-2 महीने बाद तो गुजरात का गोंडल, राजकोट वगैरह का सारा एरिया भी चल जाता है, वहाँ मंडियों में 1-2 लाख 3 लाख इकट्ठा होता है। अच्छा जी, वो सारा यूपी को, बिहार को, हमारे यहाँ भी, हाँ जी, काफ़ी आता है। अच्छा जी, अच्छा, तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि वो बात नहीं है कि भाई गारंटेड तेजी है। हाँ जी, ऐसा कोई भी कह रहा है तो उसकी बात मैं तो नहीं मानता। अच्छा जी, आप माने या ना माने। हाँ जी, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई कुछ बेच लो। हाँ जी, रिस्क कम कर लो। हाँ जी, और मैं आपके चैनल पे कहते बच रहा हूँ, पर अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं कह दूँ, चलो कोई बात, मेरी नज़र में तेजी नहीं है। अच्छा जी, जो भाव चल रहा है, हाँ जी, इस भाव भी प्याज बिकता रहे तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, अगर ऐसी बात ना होती, हाँ जी, तो कल 80 गाड़ी क्यों आई? अच्छा, बाजार में तेजी तो थी नहीं। हाँ जी, ₹2 बाजार गिरा ही हुआ है पहले से। हाँ जी, आज कम इसलिए आ गई कि कल और 1 रुपया गिर गया। अच्छा जी, और बिका नहीं। अच्छा, 100 गाड़ी रात बैलेंस रही है, 55 गाड़ी कल बिकी है। अच्छा, और 100 गाड़ी बैलेंस है। अच्छा सर जी, जो कल मैंने वीडियो बनाई, जो अपना नासिक का प्याज था, हाँ, वो तो देखो जी नंबर 1 क्वालिटी था जी। हाँ हाँ, और जो मान लो वो दूसरे वाला था महुआ, वो तो चलने वाला प्याज था, उसको तो इतनी हाई क्वालिटी नहीं बोल सकते। महुआ की बहुत हाई क्वालिटी होती है, जो खराब हुआ होगा वो भेजा होगा इन्होंने। अच्छा जी, नेफेड के भी लोग अब इतने सालों से काम कर रहे हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं। अच्छा, वो चाहे महुआ हो, जो आपने नासिक भी देखा होगा ना। हाँ जी, वो भी हल्की क्वालिटी का होगा उनकी नज़र में, नासिक का तो इतना बढ़िया प्याज उन्होंने करा है, वो पहले कोई भी बेचेगा हल्का बेचेगा। सर जी, मैंने तो पहली बार कल बड़ी मज़ेदार बात सुनी, मैं तो इस नेफेड को ये सोचता था कि ये 5-4 साल पुरानी संस्था है, अभी बनी होगी ये। नहीं, ये नहीं, आपने जब बताया अभी हरित क्रांति आई उस समय। हाँ, ना ना ना, ये तो बहुत पुरानी बात है। अच्छा जी, मैं मंडी आया उससे पहले से नेफेड है। अच्छा जी, नेफेड को सन 1968 में यहाँ दुकानें अलॉट हुई हैं इस मंडी में, जो इनका अपना दफ्तर है जी। हाँ, अच्छा जी, तो ये सन 1968 में पुरानी मंडी में आग लगी थी। हाँ जी, और 1969 में दुकानें अलॉट हुई थी, उसमें नेफेड को दुकान अलॉट हुई हुई है। अच्छा जी, तो 69 से तो पहले की है संस्था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, तो इसलिए मेरा सभी भाइयों से को सुझाव है, हाँ जी, कि भाई जिद मत करो। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा निकाल लो। हाँ, अगर आप ज़्यादा नहीं निकालना चाहते। हाँ जी, हालात जो मैंने बताए हैं उसके ऊपर आप गौर कर लो, सबके पास दिमाग है। हाँ जी, जहाँ से देखो, कुछ लोग परमानेंट किसानों को और व्यापारियों को गुमराह करते हैं। हाँ जी, कौन? जो बिल्टी बेचते हैं। हाँ जी, अगर तेजी में नहीं डालेंगे, मंदे में डालेंगे तो बिल्टी कहाँ बिकेगी? तो प्याज खरीदेगा ही नहीं। अच्छा जी, और कुछ लोग वो जिन्होंने भारी स्टॉक कर रखा होता है। हाँ जी, कि अगर मंदा हो गया तो हम बर्बाद हो गए। अच्छा जी, 2-3 कम्युनिटी ऐसी हैं जिनकी मजबूरी है प्याज में तेजी दिखाना हर टाइम। अच्छा जी, अगर तेजी नहीं बनती तो उनका कारोबार खत्म है, नुकसान। अच्छा, अलग है। अच्छा जी, परंतु मेरे जैसे सच्चे आदमी कम मिलेंगे जो सच बोलते। मैं तो फिर चैनल पे आपके बच के कहता हूँ, मैं 3 महीने पहले अपने किसी व्यापारी को स्टॉक नहीं करने दिया। अच्छा जी, किसी ने जिद करके गाड़ी 2 गाड़ी कर ली, उसमें स्टॉक नहीं मानता। अच्छा जी, मेरे व्यापारी 5-5, 10-10 हज़ार कट्टे स्टॉक करते हैं। अच्छा जी, मैंने सबको कहा कि हालात ठीक नहीं है। क्यों? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। हाँ जी, मैं गवर्नमेंट की और स्टेट की एग्रीकल्चर साइट देखता हूँ, हॉर्टिकल्चर साइट देखता हूँ, एपीडा वगैरह देखता हूँ। हाँ जी, ठीक है जी, उनमें लिखा होता है कि पिछले साल से कम हुआ है
कम बुआई हुई या कम पैदावार हुई या कम ज़्यादा पैदावार हुई। हाँ जी, जब वो पैदावार ज़्यादा बता रहे हैं, हाँ जी, तो कहाँ से तेजी आएगी? अच्छा जी, फिर श्रीलंका में हमारा प्याज बहुत जाता था, हाँ जी, श्रीलंका बर्बाद हो गया, हाँ जी, वहाँ प्याज जाना बंद हो गया या बहुत कम हो गया, हाँ जी, पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ जी, बांग्लादेश जाता था, बांग्लादेश 3-4 महीने एक्सपोर्ट बंद रखा, हाँ जी, वो भी बढ़ गया, हाँ जी, फिर बीच बीच में कोरोना फैलता रहा तो कम बिकता है, हाँ जी, लोगों की आमदन कम है, तो प्याज जरूरी भोजन नहीं है। हाँ जी, प्याज से पहले आदमी चावल लेगा, अनाज लेगा, दूध दही लेगा, हाँ जी, और चीज़ें हैं, हाँ जी, प्याज तो एक स्वाद है, हाँ जी, भोजन नहीं है। तो प्याज आदमी क्या करेगा, जो 1 किलो लेता है वो 8 किलो लेके भी गुजारा कर लेगा। हाँ जी, तो इन हालात में जो हालात बन रहे थे, हाँ जी, वो हालात कहीं भी तेजी की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे 3-4 महीने से ही, हाँ जी, लगातार, हाँ जी, लेकिन कुछ लोग लोगों को जबरदस्ती, हाँ, तेजी में डालते हैं, और किसान को या छोटा स्टॉकिस्ट जिस बेचारे को पूरी खबर या समझ नहीं है, हाँ जी, उसे कोई कह दे अरे तेज होगा, हाँ जी, वो खुश हो जाता है और नहीं बेचता, हाँ जी, और वो लोग अपनी बिल्टी 2-3 रुपए तेज करके बेचते रहते हैं। अच्छा जी, ये हालात है देश के। अच्छा, तो मेरा निजी विचार है दोस्तों, इसमें जैसे बाबू जी ने बात बताई, जैसे मैं शुरू में ही बोलता हूँ कि नाराज होने की कोई बात नहीं, अपना अनुभव होता है, हाँ, अपना सबका अनुभव है जी। देखो जी, मैं भगवान नहीं लग रहा, हाँ जी, मैं तो अपने विचार बता रहा हूँ जो मेरे हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, और मैं एक सच्चा इंसान हूँ। और सबसे बड़ी बात आपने बताई कि 4 साल पहले जो आपने बात, हाँ, बताई कि नया और पुराना प्याज टकरा गए थे, बिल्कुल वही हालात इस साल बन रहे हैं। अच्छा जी, क्योंकि नया आने लगा, हाँ जी, समझ लो साउथ का नहीं, राजस्थान का, आज से 1 महीने बाद, हाँ, सवा महीना मान लो। अच्छा जी, पर प्याज तो दोस्तों अपने अपने गाँव में आसपास में देख लो कि पिछले साल से कितना ज्यादा, कितने गुना ज्यादा प्याज है आपके पास अभी। हाँ जी, तो फिर अब की बार प्याज 1.25 महीने में, मैं कह रहा हूँ कि 1.25 महीने 2.5 महीने प्याज पुराना बिकेगा। अच्छा जी, 1.25 महीने तो ये है ही है, हाँ जी, 1.25 महीने फिर धीरे 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 कम होता जाता है, हाँ, तो नया बढ़ता जाता है। हाँ जी, नए वालों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं 5 तारीख से भरपूर प्याज आएगा। अच्छा, 2005 से नहीं आएगा, 10 से आ जाएगा। तो आपके पास सर जी ये बताओ, ज्यादातर किसानों का माल आता है, व्यापारियों का आता है? दोनों का आता है जी। अच्छा जी, दोनों का आता है। अब भी किसान भी आपके पास माल जा रहे हैं इस समय? इस समय भी किसानों का भी आया है, पर अच्छा, कम आता है। अच्छा जी, व्यापारियों का ज्यादा आता है इस समय जी? हाँ। अच्छा जी, इस समय यानी जिन किसानों ने अपना स्टॉक किया है उनका माल आता है जी? हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, किसानों ने बहुत स्टॉक करा है पिछले साल भी और इस साल भी, किसानों के बच्चे पढ़ लिख गए हैं, हाँ जी, उनके पास साधन भी हो गए हैं, हाँ जी, तो ये कहते भाई ये व्यापारी हर साल स्टॉक करके पैसा कमाते हैं, हाँ जी, तो हम स्टॉक करके पैसा क्यों ना कमाएं? अच्छा जी, मेरी किसानों को राय है, हाँ जी, कि अपना खर्चे पानी के लिए 5-4 महीने के लायक प्याज बेच लिया करें, हाँ जी, और बाकी रोक लिया करें, उसमें नफा हो नुकसान हो, हाँ जी, या पैसे मिल जाए तो अच्छी बात है, हाँ जी, करें स्टॉक, हाँ जी, हाँ जी, पर पूरी की पूरी फसल ना करें, क्योंकि वो किसान पे इतना पैसा नहीं होता, हाँ जी, तो उसे ज्यादा नुकसान हो गया तो दिक्कत में आ जाए, या फिर संपन्न किसान हो उसके पास हो और फसल हो। देखो जी, संपन्न तो किसान कम है, हाँ जी, वही किसान संपन्न है जिनके बच्चे नौकरियां कर रहे हैं, जिनके फैक्ट्रियां डाल ली हैं या और किराए पे है, हाँ जी, खेती से किसान संपन्न कम हुआ है देश में, हाँ जी, क्योंकि लैंड होल्डिंग बहुत कम है, हाँ जी, जिन पे ज्यादा है वो किसान नहीं है फिर, हाँ, वो जमींदार है, हाँ जी, वो साहूकार है, हाँ जी, वो बाणिये है, हाँ जी, वो कुछ और कास्ट है। अच्छा जी, किसानों के पास, बहुत कम किसानों के पास हिंदुस्तान में, हाँ जी, जिन्हें किसान कहते हैं, हाँ जी, जमीन है, हाँ जी, प्रेमचंद ने 2 बीघा जमीन किताब लिखी थी, हाँ जी, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया था। अच्छा, क्योंकि किसानों के पास जमीन कम है इसलिए परेशान है, हाँ जी, तो मेरा उन्हीं छोटे किसानों से कहना है स्टॉक करें, पैसे मिलते हैं, परंतु थोड़ा कम करें, अपने खर्चे लाए निकाल लें, ऐसा ना हो कि बाद में बाजार गिरे, हाँ जी, तो लागत भी वसूलना। वो सर जी एक चीज और है, जिनके पास ज्यादा जमीन है तकरीबन उसमें से 90% लोग अपने आप खुद खेती नहीं करते, वो ठेके पे देते हैं। हाँ, इसलिए देते हैं ना, हाँ जी, कि खेती में ये पता नहीं होता नफा होगा या नुकसान होगा। अच्छा जी, अब बीके के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, हाँ जी, गरीब आदमी मेहनत करता है, किसान आदमी मेहनत करता है, वो पट्टे पे ले लेता है, वो पट्टे पे ले लेता है, हाँ जी, नफा नुकसान उसका होता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वो साहूकार बैठे हो, जैसे लोग किराए शहरों में किराए पे दुकान मकान देते हैं, हाँ जी, लोग कारोबार करते हैं और वो अपना किराए
सबसे अच्छा व्यवसाय कारोबार जो है किराए का माना जाता है। हाँ जी, तो वही गांव के साहूकार या बड़े जमींदार, हाँ जी, या जो दिल्ली विल्ली आ गए इधर उधर चले गए, हाँ जी, तो गांव में अपने भाई बंधु को वाकवकार को वो पीछा ठेके पे जमीन दे आते हैं और अपने पैसे लेते रहते हैं। हाँ जी, उनके अलग काम है जी, कुछ जो भी काम करे अलग काम। धन्यवाद सर जी, बड़ी अच्छी जानकारी, अपनी निजी जानकारी जी आपने साझा करी जी इसके लिए, और जो उम्मीद भी होगी जी ये लास्ट में होगी जब इसका प्रेशर खत्म हो जाएगा। नहीं, इसका प्रेशर खत्म होगा ही नहीं। अच्छा जी, अब देखो नेफेड ने, हाँ जी, शनिवार को 4 गाड़ी थी, हाँ जी, कल 8 गाड़ी, हाँ जी, आज फिर 4 है। अच्छा जी, मेरे जो अंदाजा है, हाँ जी, नेफेड की हफ्ते 10 दिन में 15-20 गाड़ी रोज इस मंडी में आएगी। अच्छा जी, और नेफेड के पास 2.5 लाख मीट्रिक टन से प्याज ज़्यादा है, हाँ जी, और बेचने के लिए उसके पास अक्टूबर नवंबर 2 महीने ही मेन है, हाँ जी, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्याज 200-300 गाड़ी भी रोज निकालेगा, मेरा अपना सोच है। अच्छा जी, तो उससे भी तो भाई फर्क पड़ेगा, 200-300 गाड़ी प्याज कम तो नहीं होता 25-30 टन की। हाँ जी, तो आज आपने देखा होगा 3 दिन से नेफेड का प्याज सबसे कम भाव पे बिक रहा है, जो मंडी के भाव, हाँ, मंडी के भाव से कहा गया जी। देखो कल भी ये ज्यादा 470-71 कितने तक वो एक गाड़ी गई होगी, अच्छा, 450-450 गई है 3 गाड़ी। हाँ जी, तो हालात ये है कि खरीदेगा कौन, हाँ जी, तो नेफेड बेचेगा, हाँ जी, तो पूरे हिंदुस्तान में बेचेगा, हाँ जी, तो 300 गाड़ी जो नहीं आ रही है वो कल को आएंगी। अच्छा जी, इससे भी तो भाई फर्क पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, जैसे हमारी दुकान मंडी में 50 गाड़ी की समझो बिक्री है, हाँ जी, अगर 15 नेफेड बेचेगा तो 35 गाड़ी बिकेंगी हमारी, हाँ जी, 20 बेचेगा तो 30 बिकेंगी, हाँ जी, तो वो किसानों का या व्यापारियों का तो नहीं है ना, तो नेफेड का प्याज अलग हुआ हुआ है। हाँ जी, तो हालात कुल मिला के मेरी नज़र में बराबर मानता हूँ, बचता हुआ कह रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, बाकी सच कहने को कहो तो जो भाव चल रहा है भगवान करे ये भी चलता रहे तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी, और 5 नवंबर के बाद जिसका भी प्याज होगा नए और पुराने की टकराव होगा, हाँ जी, और उसमें नया आने के बाद, हाँ जी, खाने वाले पुराने प्याज की तरफ देखते भी नहीं है, पुराना प्याज सिर्फ होटल वाले लेते हैं, अच्छा, ढाबे वाले लेते हैं, हाँ जी, कैंटीनों वाले लेते हैं, हाँ जी, जिन्होंने बल्क में खाना बनाना होता है, अच्छा, क्योंकि पुराना प्याज, हाँ जी, घी तेल नहीं पीता। अच्छा जी, नया प्याज आप डालो 100 ग्राम घी तेल पी जाएगा। अच्छा, पुराने का सब्जी बनाओ 20 ग्राम पिएगा। अच्छा जी, प्याज जितना पानी छोड़ेगा, हाँ जी, उतना ही तेल या घी पी लेगा। अच्छा जी, तो ये सूख चुका है बिल्कुल, हाँ जी, तो पानी नहीं के बराबर छोड़ेगा और घी तेल नहीं के बराबर लेगा। अच्छा जी, तो वो घी तेल भी बच जाता है, चीज भी स्वाद बनती है। हाँ जी, तो वही लोग लेते हैं जो बल्क में खाना बनाते हैं और बेचते हैं। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334 नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर है 98-102-61-648। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी जानकारी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और भगवान करे किसानों का भला हो। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये थे दिल्ली आज़ादपुर मंडी के आज के प्याज के रेट। दोस्तों बाबू जी ने जो भी बात बताई इसको गौर से सुनना, और इसमें जो देखो आप खुद संपन्न है, नाराज होने की कोई बात नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।